नमस्कार दर्शकों, मैं लोकेश एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। तो दर्शकों, दंतेवाड़ा में जो नक्सली हमला हुआ था, उस हमले में मंगलवार को एक कैमरामैन की हत्या हो गई। इसी दौरान कैमरामैन के गाड़ी के पीछे से आ रहे रिपोर्टर्स के मुताबिक शर्मा फायरिंग में फंस गए थे। पुलिस वालों ने उन्हें जमीन पर लेट जाने को कहा। इस क्षण में मौत को सामने देख मोरकूट इन्होंने माता के लिए एक मैसेज भेजा। यह संदेश वीडियो से तैयार कर उन्होंने भेजा था। यह वीडियो अब सामने आया है। मयूरा के रहीवासी मोरकूट शर्मा ये नक्सली हमले में फंसे हुए थे। अपनी माता को भेजे हुए मैसेज में उन्होंने कहा था कि मौत मेरे सामने खड़ी है, मात्र मुझे पहली बार डर नहीं लग रहा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं वापस जिंदा ना लौटूं। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ए, उनको बोल जल्दी उधर संपर्क करके भेजेंगे। जल्दी एम्बुलेंस भेजेंगे, एम्बुलेंस जल्दी से एम्बुलेंस। ए, पोजीशन लेकर आना। लेटर है, लेटर है। पूछ मत कर, लेटर है आप लोग। सर पानी है क्या? हाँ पानी पानी। अरे नहीं दोस्तों, लेटर है। बाकी आ गई है, टेंशन मत। कवर कर लेते, कवर कर। सर थोड़ा सा पानी दे दो। नहीं है काका, शांति रहो, शांति रहो। आतंकवादी हमला हो गया है। हम दंतेवाड़ा में आए थे इलेक्शन कवरेज पर। एक रास्ते से जा रहे थे, आर्मी हमारे साथ थी, अचानक घेर लिया है नक्सलियों ने। मम्मी अगर मैं जीवित बचा, गनीमत है मम्मी, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है इस हमले में मैं मारा जाऊँ, परिस्थिति सही नहीं है। पता नहीं क्यों मौत को सामने देखते हुए डर नहीं लग रहा है। बचना मुश्किल है, यहाँ पर 6-7 जवान हैं साथ में, चारों तरफ से घेर लिए हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा तहसील में अरनपुर के जंगल में नक्सलियों ने किए हमले में उपनिरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह और सहायक आरक्षक मंगलू राम ये भी शहीद हुए हैं। और वहीं आरक्षक विष्णु और सहायक आरक्षक राकेश कौशल गंभीर रूप से घायल हो गए, क्योंकि नागरिकों की मदद करने वाले अन्य और पत्रकार भी इनमें शामिल होते हैं। कैमरामैन यहाँ, और ऐसे में अगर मौत हो जाए तो ये दिन बड़ा ही दुखदायक होता है। भाजपा सरकार को आज 4 साल पूरे हो चुके हैं, और इस सरकार के लिए उन्हीं के जिलों में नागरिकों ने मात्र उनके कार्यों को लेकर अपनी भावना व्यक्त की है। फडणवीस सरकार गृह निर्माण विकास कर रहे हैं और वो आगे भी करेंगे, लेकिन कुछ नागरिकों ने यह भी भावना व्यक्त की है कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक कहते हैं विकास मतलब क्या है। यह अहम सवाल उन्होंने केंद्र सरकार से किया है, जिस पे केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी है। राज्य में भाजपा शिवसेना युति सरकार को आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस भूमि पर युति रह के भी कोई फायदा नहीं। गए 4 वर्षों में 1005 किसानों की आत्महत्या हो चुकी है। कांग्रेस के राज्य में यह आंकड़ा कम था, लेकिन बीजेपी और शिवसेना युति के राज्य में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो चुका। भंडारा।
तालुका कृषि अधिकारी पद पर रहने वाले 22,75,000 रुपए शासन की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। अधिकारियों के विरोध में भंडारा पुलिस थाने में यह अपराध भी दर्ज किया गया है। भंडारा में 2012 से 2014 तक तत्कालीन कृषि अधिकारी V.R. काटोले, इन्होंने अपने पद के गैर व्यवहार और धोखाधड़ी करने का यह केस दर्ज हुआ। पंचायत समिति के सदस्यों ने अपने अधिकारों के लिए अपने इस्तीफे को बनाया फॉर्मूला। वर्धा पंचायत समिति के सभापति संघ 13 सदस्यों ने मुख्यमंत्रियों के नाम पर इस्तीफा लिखा है। पंचायत समिति के सदस्य हैं लेकिन उनका हक उन्हें नहीं मिलता है। ये हक न मिलने के वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और अब इनके साथ कई सदस्य और जुड़ने की आशंका है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल्स को आज ही सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।